प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारियां हैं वो भी काफी अच्छे से चल रही होंगी। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने अपना प्रेम संदेश फिर से भेज दिया है और बता दिया है कि आपके जो टर्म वन एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन मोड समाप्त हो गया है, आपको ऑफलाइन मोड के अकॉर्डिंग तैयार रहना होगा और अपनी तैयारियां भी उसी के हिसाब से करनी होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी भी चाहते थे और जानना चाह रहे थे कि जो टर्म वन है किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, स्कूल में होगा कि बाहर होगा, तो टर्म वन आपके मोस्ट प्रोबेबली 99% हम कह सकते हैं कि आपके खुद के स्कूल में ही होगा। दूसरी चीज, पेपर उसी दिन लिए जाएंगे, उसी दिन चेक भी हो जाएंगे, तो सब कुछ फेयर मींस के द्वारा होगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बस आपको करना क्या है, आपका फिर क्या दायित्व बनता है, आपका दायित्व ये बनता है कि जस्ट आप टॉप गियर में अपने तैयारियां जारी रखें और किसी भी अब भ्रम में संशय में ना रहें कि भाई हमारा एग्जाम कैसे होगा, इस बार भी हम लोग बच जाएंगे और कुछ ऊपर से पिटारा ऐसा खुलेगा कि हाँ भाई सभी को पास कर दिया जाए, तो इस प्रकार का ऐसा सीन नहीं रहने वाला है। आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग ही मार्क्स दिए जाएंगे, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही मार्क्स पाएंगे, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आप सभी के लिए आया हूँ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टर्म वन एग्जाम। टर्म वन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 24th of November। 24 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो 15 तारीख से है ये कौन से एग्जाम है, दैट विल बी द स्किल सब्जेक्ट्स। स्किल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, म्यूजिक हो गया, और भी जो भी स्किल से रिलेटेड है, जो हाथ से हम करके प्रैक्टिकल बेस्ड बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी के जो एग्जाम होंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of November। लेकिन जो आपका जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी के जो एग्जाम्स होंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 24th of November। तो ये आप जान लीजिए कि 24 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। 24 तारीख से डेट शीट आपकी रिलीज होगी, बस रह गया कि पहले कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आज मींस कल मींस 15th of October को मालूम चल जाएगा, एक दो दिन में आपको मालूम चल जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ता है आपके एग्जाम पहले कौन सा होगा, बस आप अपनी तैयारियां जोर पर रखिए। दूसरा, ओएमआर शीट्स विल बी अवेलेबल ऑन क्लाउड एंड डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओएमआर की जो शीट्स होंगी वो कहां पे अवेलेबल होगी, क्लाउड, ठीक है ना। सीबीएसई मेल सेंड करेगा और वहां से आपके जो ओएमआर शीट्स होंगे दैट विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम देयर। Encrypted question paper will be sent to school or exam center in the morning. अब देखिए, ये कौन सा question paper होता है encrypted? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोड में नहीं आते थे अपने पेपर, कोडिंग वाले पेपर ए बी सी डी, इस तरीके से पेपर तो कोड में ही आएंगे, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और स्कूल को भेजा जाएगा और वहीं से डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा मॉर्निंग में। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 90 मिनट्स। यस, पहले से ही आपको डिक्लेयर किया गया है कि भाई कितने समय का एग्जाम रहेगा। एंड क्लासरूम चेक की क्लासरूम टीचिंग वर्क फॉर क्लासेस 10th 12th विल बी डन बिटवीन 8 AM to 11 AM और 11:30 AM। जो क्लासरूम टीचिंग वर्क है, जो अगर हम 10वीं और 12वीं को छोड़ दें तो और स्कूल में और जो क्लासेस हैं वो वैसे ही स्मूथ रनिंग होंगे, लेकिन उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, लगभग 11:30 बजे तक स्कूल के जो भी 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को छोड़ के पढ़ा लिया जाएगा और फिर एग्जाम आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। 6th, क्लास 10th and 11th एग्जाम विल बी 11:30 to 1 PM एंड ओएमआर शीट विल बी सबमिटेड इन द एग्जाम कंट्रोल रूम बाय 1:30 PM। आपके जो एग्जाम होंगे, जो 1.5 घंटे के एग्जाम है, 90 मिनट्स के एग्जाम है, स्टार्ट कब से होगा, 11:30 बजे से। कब तक होगा, 1 बजे तक। ओएमआर शीट्स कलेक्ट कर लिए जाएंगे आफ्टर फिलिंग अप द ओएमआर शीट्स और 1:30 पर जो कंट्रोलर होंगे बाहर के आएंगे उनको सबमिट कर दिया जाएगा। इवेल्युएशन विल स्टार्ट फ्रॉम 1:30 PM to 5 PM। 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका इवेल्युएशन होगा, चेकिंग विल बी देयर और स्कूल के टीचर ही उसको चेक करेंगे, आपके आंसर की दे दी जाएगी और उसी से मैच करके आपके आंसर चेक किए जाएंगे।
एज कोविड 19 प्रोटोकॉल 12 स्टूडेंट सीटिंग अरेंजमेंट इज टू बी डन इन वन रूम। एक रूम में कितने विद्यार्थी बैठेंगे? देर विल बी 12 स्टूडेंट्स। एक रूम में केवल 12 विद्यार्थी ही बैठ पाएंगे एज पर कोविड प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, सेंटर हैविंग स्ट्रेंथ मोर देन 500। अगर किसी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं 500 से ज्यादा हैं एक स्कूल में, एक ऑब्जर्वर रहेगा, और 500 से ज्यादा हैं तो कितने ऑब्जर्वर रहेंगे? दो। और ये कौन से होंगे? ऑफिशियल होंगे। सिटी कोऑर्डिनेटर विल अपॉइंट ऑब्जर्वर, चेंज ऑब्जर्वर इन एज पर नीड और रिक्वेस्ट। जो भी सिटी कोऑर्डिनेटर होंगे जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, सपोज मान लीजिए आप जिस जिले से हैं, जिस इलाके से हैं, वो देखेंगे कि किसको कहाँ भेजना है एंड इन सब की कार्यवाही वही करेंगे। आंसर की विल बी अवेलेबल बाय 1:30 PM। टीचर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट कैन चेक OMR शीट। सबसे जो अजीब बात यह है कि उस जो आपकी OMR शीट होगी उसको चेकिंग कोई भी कर सकता है। कोई क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें ये तो हमें पढ़ना तो है ही नहीं कुछ, उसमें तो केवल ये देखना है कि ऑप्शन ए उन्होंने सही लगाया हुआ है और आंसर की में ए दिया हुआ है, इट मींस यू विल गेट 1 मार्क्स। तो कोई भी चेक कर सकता है, ये मैटर नहीं करता है कि आपका सब्जेक्ट टीचर चेक कर रहा है। द इवेल्युएटर हैज टू अपलोड नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स। अपलोड करने होंगे कितने करेक्ट आंसर्स हैं। हैंड रिटन आंसर विल बी फाइनल इफ इट डज नॉट टैली विद डार्क सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट और अहमियत देने वाली बात यह है कि मान लीजिए आपके चार ऑप्शन आपने लगाए, ये मान लीजिए एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, और आपको लगा था कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी आपको करेक्ट लग रहा है, बट सडन आपके दिमाग में स्ट्राइक किया और आपने लाइनें ध्यान से पढ़ी और आपको लगा नहीं इसका ऑप्शन तो क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए। तो आप पेंसिल से यहां पे लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर बी है और यही सही माना जाएगा। मींस लास्ट में डार्क सर्कल के बाद जो आप यहां पे ऑप्शन लिखेंगे उसके सामने वही आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। हाथ से लिखेंगे। सेपरेट रिमुनरेशन फॉर इंसुलेटर एंड इवेल्युएशन ये आपके काम की चीज नहीं है। इवेल्युएशन विल बी डन इन द एग्जाम इन द सेंटर ऑफ एग्जाम एंड OMR शीट्स आर टू बी सेंट ROCUSC बाय 5 PM फॉर द सेम डे। सेम दिन ही आपको जो आपके जो एग्जाम्स इवेल्युएट भी हो जाएंगे, चेकिंग भी हो जाएगी और कहां पे उसको शेयर करना होगा CBSE को। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिट कार्ड्स विल बी गिवन सून। एडमिट कार्ड्स कि भाई किसको कौन सा रोल नंबर प्रदान किया है बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। आप केवल और केवल अपने युद्ध की तैयारी कीजिए क्योंकि 24 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इट इज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट फॉर 10th and 11th टू अपियर इन टर्म वन एग्जाम बींग कंडक्टेड बाय CBSE और कंसीडर किया जाएगा मार्क्स को। जैसे कि टर्म टू है साफ साफ लिखा गया है डेट विल बी कंडक्टेड इन अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई में टर्म टू के एग्जाम्स लिए जाएंगे और टर्म वन में बैठना जरूरी है। आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते कि ये हो गया वो हो गया। यू हैव टू अपियर इन टर्म वन एग्जाम और इसके मार्क्स प्लस टर्म टू जो एग्जाम होगा उसके मार्क्स दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनेगा। MCQ टाइप क्वेश्चंस विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, वही MCQ क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर टर्म वन विल बी कंडक्टेड बाय ओन स्कूल्स ऑफ द कैंडिडेट्स बट प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ टर्म सेकंड विल बी कंडक्टेड बाय CBSE एज यूजुअल। वन का होगा स्कूल विल कंडक्ट इटसेल्फ और टर्म टू है जो उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन CBSE जो पहले जिस तरीके से करता था एक्सटर्नल आते थे इस तरीके से होंगे। द CBSE हैज स्प्लिट बोर्ड एग्जाम्स इन टू पार्ट्स टर्म वन एंड टर्म टू। जो टर्म टू होगा वो आपका मार्च अप्रैल में बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा एंड द कैंडिडेट्स फाइनल स्कोर मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन बोथ द टर्म एग्जामिनेशन दैट इज वन एंड टू। ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स एंड कैंडिडेट्स विल गेट ऑप्शन। सारे जो क्वेश्चन होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे और कैंडिडेट्स को ऑप्शन मिलेगा, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे बच्चों यही बताना था कि आपकी जो आप अपने तरफ से ये मान लीजिए कि 24 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अपनी तैयारी टॉप गियर में रखना है। आगे बात समझ में, दीज वर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि रण क्षेत्र में जाने से पहले रण क्षेत्र का जायजा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से युद्ध लड़ना है, कैसे हमें तैयारी करना है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास समय नहीं रहा कि अभी भी आप सोचेंगे और
राम भरोसे बैठेंगे, क्योंकि राम भरोसे बैठने का समय गया। कोविड की भी आपको ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, अब जितना आप लिखेंगे उतना ही मार्क्स मिलेगा और पेपर आपका होगा शत प्रतिशत होगा। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए प्रेम ज्ञान चैनल से, जहां पे आपको इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, मैथ साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टर्म वन की तैयारियां हैं वो हम करवाते हैं। मैथ्स के चैप्टर अपलोड कर दिए गए हैं, इंग्लिश के भी अपलोड किए हुए हैं बहुत सारे चैप्टर, और बहुत सारे चैप्टर बनाने हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि यहां से आप तैयारी करें तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सो डेट कि सभी लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, थैंक यू।